श्रद्धा ने छोड़ दिया है घर। जी हाँ, आपको बता दे, शुभ किस्मत की लकीरों में हम देख रहे हैं कि श्रद्धा अपना घर बार और अपने पति यानी कि अभय तक को छोड़कर घर वापस आ गई है तनुजा के पास। और ऐसे इस मौके पर उन्हें हर कोई समझा रहा है कि श्रद्धा को अभय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तभी वहां पहुंच जाते हैं गुलाल। अरे रे रे रे, भाई तो सोच रहे कि घर में बाहर कैसे आ गए। अरे अब पता चला हमारी साली जी जो बता रही है, हमारी आधी घर वाली का खुद ही का घर आधा अधूरा हो गया। अरे ससुराल बचाने का चक्कर में अपना सुहाग को कौन छोड़ रहा? किसी ने मांगी तुमसे विशेष कितनी जो बोल रहे हो? ये देखिए, अरे बढ़ जाओ, साली जगह तोड़ेंगे इनकी लाइन है। कोई कितनी जो बोल रहे हो, दबाओ जाओ यहाँ से। तुमसे विशेष कितनी मांगी है जो बोल रहे हो, दबाओ जाओ यहाँ से। और साली साहिबा के प्यार में गिरफ्तार गुलाल किस तरह से तीखे वार कर रहे हैं श्रद्धा पर, ये भी सुनिए। कोनो बात कर तू, अरे सारू साहब ना से ये चलते ना जीजा जी तो है। दोबारा मेरे घर वाले की कोशिश भी की रहा, अगर दोबारा मेरे घर वाले की कोशिश भी की रहा तुमने, और ये हमारा घर तुम्हारा तीन टप्पड़ का झोपड़ा नहीं जो तुम अपनी हद मत भूलो बिलाज, और दोबारा मेरे के पास आने की कोशिश भी की है ना, और ये हमारा घर तुम्हारा। वेल साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि गुलाल के बात का मुंह तोड़ जवाब श्रद्धा दे देती हैं और उन्हें जोरदार धक्का लगा देती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या श्रद्धा वापस अभय की जिंदगी में लौटती है या फिर अभय को तनुजा की जिंदगी में लाती है। एंड फॉर मोर स्टोरी टाउन अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।